नमस्कार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। समय के भरोसे मत बैठना क्योंकि समय किसी का भी कभी भी बदल सकता है और ठीक ऐसा ही कुछ घटित हुआ WWE सुपरस्टार रोमन रेंस की जिंदगी में। एक समय जब रोमन रेंस WWE के टॉप गाय बन चुके थे, उनका रेसलिंग करियर बुलंदियों पर था और साथ ही रो ब्रांड की टॉप चैंपियनशिप यानी यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी उनके हाथों में थी। जिस वक्त उनके सामने ब्रोक लेसनर जैसा खूंखार रेसलर भी घुटने टेक चुका था, रोमन रेंस की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसी बीच उन्हें एक मेडिकल चेकअप से पता चला कि उन्हें ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर है। यह रोमन रेंस के लिए दिल दहलाने वाली खबर थी क्योंकि काफ़ी मुश्किलों के बाद वह रेसलिंग के इस मुकाम तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब उन्हें रेसलिंग से दूर होना था। 22 अक्टूबर 2018 को रोमन रेंस ने सबके सामने इस बात का ऐलान किया कि उन्हें ल्यूकेमिया है और अब उन्हें रेसलिंग से विराम लेना पड़ेगा, जिसके बाद रोमन रेंस ने बहुत ही जल्दी रिकवरी करते हुए 4.5 महीने बाद ही WWE में वापसी कर ली। इसी बीच रोमन रेंस को लेकर कई सारे बदलाव देखने को मिले। पहला बदलाव उनके फिजिकल हेल्थ में देखने को मिला। जब रोमन रेंस ने WWE में दोबारा वापसी की तो वह फिजिकली इतने फिट नहीं थे जितने साल 2018 के अक्टूबर महीने में या उससे पहले थे। वापसी के बाद हमने देखा कि रोमन रेंस पहले से बहुत दुबले पतले हो गए थे। और दूसरा बदलाव हमें उनकी WWE की बुकिंग में देखने को मिला, जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब रोमन रेंस WWE से गए उससे पहले वह WWE के हर पे पर व्यू को मेन इवेंट करते थे, यूनिवर्सल चैंपियंस भी थे और साथ ही WWE की टॉप स्टोरी लाइन में भी शामिल होते थे। लेकिन रोमन रेंस की वापसी के बाद से ही उन्हें कोई भी टॉप स्टोरी लाइन में नहीं डाला गया। उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रॉप की थी तो ना ही उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए दोबारा मौका मिला। WWE से जाने से पहले रोमन को ब्रोक लेसनर जैसे टॉप सुपरस्टार के साथ स्टोरी लाइन में रखा जाता था, लेकिन वापसी के बाद से ही उन्हें इरिक रोवन और बडी मर्फी जैसे अंडरग्राउंड सुपरस्टार के साथ रखा जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब WWE में रोमन रेंस का करियर टॉप पर था, लेकिन अब उन्हें मिडगार्ड में डाल दिया गया है, जिसकी वजह हार्ड कोर रेसलिंग फैंस है। वह कैसे, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।